June, July. So the weather is really amazing. Like here right now. So they came Dubai for New Year's and they are planning their holiday trip. Yeah. So how are you feeling in Dubai? Hello everyone, welcome to another vlog. तो भाई आज जो है मैं हूँ मोनोरेल में। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये मोनोरेल क्या है। तो भाई आप लोग जब मरीना से ट्राम पकड़ते हैं और आप पाम जुमेरा के ट्राम स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ से मोनोरेल जो है लेना पड़ता है। तो मैं अपने दोस्त के साथ हूँ और मैं अपने दोस्त से तकरीबन 7 साल के बाद मिला हूँ और आज जो है हम दोनों एक साथ जा रहे हैं पाम जुमेरा। तो चलते हैं, मोनोरेल भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी जो है हम लोग मोनोरेल का इंतज़ार कर रहे हैं और मोनोरेल जो है थोड़ा लेट आती है, लेकिन कोई नहीं, अब फर्स्ट टाइम जो है एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप लोगों को दुबई मेट्रो भी दिखाया था, दुबई ट्राम भी दिखाया, लेकिन ये मोनोरेल जो है ये मैं ख़ुद जो है फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस करूँगा। तो साथ चलते हैं। जो नक्शा दिया हुआ है ये पाम जुमेरा का नक्शा है और अभी हम बैठ गए हैं और सीट जो है बहुत ज़्यादा जो है कंफर्टेबल है और ये कमर्शियल ट्रेन नहीं है, एडवेंचर के लिए, तो इसलिए जो ना सीट वगैरह बहुत कंफर्टेबल है। मतलब ऐसा सुकून सा जैसे बंदा घर में बैठता है ना सोफे पे, वो वाला फील आ रहा है। हमारा ट्रेन खड़ा है और इस तरफ जो है ये अक्वा वेंचर है और इसका जो चार्ज है 180 या शायद उससे ऊपर हो, क्योंकि मुझे पहले के रेट्स पता है, नए रेट्स क्या हैं वो आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन लोग जो है यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर व्यूज बड़े जो है ना बहुत अच्छे हैं। भाई अभी जो है हम लोग रेल से नीचे उतरे, तो मोनोरेल का जो चार्ज है वो 30 दरम है और रिटर्न का एक टिकट पे, और मतलब आ भी सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। तो हमने जो है दोनों टिकट लिए। और ये मेरा दोस्त है जो मुझसे मिला है तकरीबन 6 साल के बाद, 6 या 7 साल के बाद। भाई फैमिली जो है वो हमें मिलती है बाय नेचर अल्लाह की तरफ से, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो हम लोग खुद चूज करते हैं। तो ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से दुबई में है लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाती थी, नहीं मिल पाते थे, तो आज हम मिले हैं। और पीछे जो है हमारे अक्वा वेंचर है और ये अटलांटिस होटल है और इस तरफ जो है ये बीच है, समंदर है, पानी है, और ये जो है ये ट्रैक है। तो ज़्यादातर यहाँ पर टूरिस्ट लोग ही आए हुए हैं क्योंकि ये टूरिस्टी प्लेस है। तो हम लोग जो है अटलांटिस के अंदर भी जाएंगे, वहाँ भी अंदर आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। हमारे पास आने का ये भी ऑप्शन था, यॉट का या फिर कोई शिप वगैरह कर लेते, लेकिन हमारे जो भाई हैं उनका कहना था कि भाई शिप के अंदर जब बंदा आधा घंटा एक घंटा बैठता है तो फिर बाउंड हो जाता है, कैद की तरह लगता है। ये जो है ना ये तरीका सही है, या फिर अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं आप लोग। टैक्सी तो बहुत महंगी पड़ेगी, तो मोनोरेल जो है ना बेस्ट ऑप्शन है। मैंने आप लोगों को ऊपर के व्यूज़ भी दिखाए मोनोरेल के, और बहुत मतलब कंफर्टेबल सीट्स थी और बहुत कंफर्टेबल सफ़र है, एडवेंचर टाइप है, तो आप लोगों को मज़ा आएगा ज़रूर। अगर आप लोग क्रूज़ वगैरह पे आते हो ना तो यहाँ पर जो है ये लोग क्रूज़ रोकेंगे और फिर यहाँ वहाँ पर रोक के जो है ना इसका पूरा अटलांटिस का व्यू लेंगे और वहाँ पर फ़ोटो वोटो आपका खींचेंगे और बोलेंगे चलो भाई सलाम अलैकुम। लेकिन यहाँ पर आने का जो है ना फिर अंदर जाओ, इसका अपना एक्सपीरियंस है। जो है हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ हैं, बहुत शर्माते हैं लेकिन व्यू चेक करें मास्टर भाई। इसके अंदर जो रूम्स हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रूम है इसके अंदर, और ये बिल्कुल पाम जो है आइलैंड के ऊपर बना हुआ है ये होटल। जो है रात हो गई है, देसी औरत थी और वो जो है भाई 100 सेल्फियाँ खिंचवाई थी यहाँ पर खड़ी थी, और
हटने का नाम नहीं ले रही। बार बार जो है ना अपने हस्बैंड अपने भाई को बोल रही और पिक्स खींचो। तो यार देसी और तो ऐसा नहीं किया करो, खुदा के वास्ते दूसरों को भी टाइम दे दिया करो। हमारा टाइम ज़ाया हो गया क्योंकि हमने भी यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करने थे और पूरा व्यू जो है वो अकेली औरत आधा घंटा पूरा जो है ना घेर के बैठी हुई थी। तो ऐसा नहीं करो यार खुदा का। और ये लोग हैं चेक रिपब्लिक पराग। पराग एक्चुअली पराग इज माय फेवरेट प्लेस, माय फेवरेट डेस्टिनेशन, बिकॉज़ आई लव इवनिंग्स इन पराग एंड नाइट लाइफ इज रियली अमेजिंग। हैव यू बीन देयर इन विंटर? इट्स रियली कूल। इट्स इन जून जुलाई, सो द वेदर इज रियली, दैट्स लाइक हियर राइट नाउ। सो दे केम दुबई फॉर न्यू इयर्स एंड दे आर प्लानिंग देयर हॉलीडे ट्रिप। Yeah. So how are you feeling in Dubai? Well, it's just our like first day, but it's amazing. Yeah. Like different world. Like everything's open now. Especially like with Corona, so like dream. And Corona, the Prague, Czech Republic and other many countries they are closed. Yeah. But Dubai is open and Dubai welcome every tourist from all around the world and all the tourists coming here and enjoying the views. You want to say something to Czech Republic? It's our first time vlogging. Yeah. They are so shy. Everything. Well, everything basically. Here it's so like modern, futuristic. And modern. Because Prague is like historical. Historical. But I like the buildings there in Prague. Yeah, we like these buildings, but that's because like we're not used to it. Like skyscrapers. It's something different. Iska age kitna hai aap log guess karein? और इसका एज कितना है आप लोग गेस करें? गेस द एज। यू आई एम क्राइंग एक्चुअली। आई थिंक हमने बस अंदर के रूम नहीं दिखाए, बाकी तो सारा कुछ अटलांटिस में हम लोगों ने दिखा दिया। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। भाई अभी जो है हम लोग बहुत थक गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। बाय।